नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी नई वीडियो में, बल्कि मैं बोलूँगा कि हमारे नए सीरीज़ की पहली वीडियो में, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस। बहुत ही ज़्यादा डिमांड रही है आप सभी लोगों की, काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारे मेल्स आए हैं हमको कि भाई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस फ्रांस में जो हैं उनको कवर किया जाए। तो आप सभी लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ लॉन्च की है आज, और ये उसकी पहली वीडियो होने वाली है। ये सीरीज़ फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए डेडिकेटेड रहेगी, और हमारे भाई बंधु जो भी फ्रांस में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हो या फिर फ्री यूनिवर्सिटीज़ हो, हम उनको पूरा कवर करेंगे, उनका एक्सपीरियंस, पूरी प्रोसेस, जिससे कि आप तक पूरी एक रियल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई बंधु देसी इन फ्रांस की फैमिली से जुड़े हुए हैं और करंटली फ्रांस की कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आप अपना और अपनी यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आने वाली जो हमारे भाई बंधु हैं उनको एक रियल गाइडेंस मिल सके। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोग हमें desiinfranceblogs@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट लाइन मेल की आपका नाम और आपके यूनिवर्सिटी का नेम और फिर आपके कोर्स का नेम रखिएगा, जिससे कि हमारे लिए आसानी रहे आपको रीच आउट करना जब भी आप हमको मेल करेंगे। बाकी आप लोगों का कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर रीच आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप, नहीं तो आप हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। हम आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे और आपके सजेशंस को कंसिडरेशन में लेके वीडियो पब्लिश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज हमारे भाई यहाँ पर जो मौजूद हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ काम में पढ़ते हैं, और ये मास्टर डिग्री एडवांस अप्लाइड इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है इसकी कि ये कोर्स फ्री है और टोटली इंग्लिश में है। वीडियो में अंदर जाने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको कोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे कैसे आप सेलेक्ट करते हैं कोर्स, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको कौन से लिंक पे कहाँ पर फिल्टर आउट करनी है कि आपको 100% इंग्लिश मिल सके, वो हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी और आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, आपका SOP पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो आप भेजते हैं वो कैसे बनाएं और उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भाई आपके साथ साझा करेंगे पूरा अच्छे डिटेल में। आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगी, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उनके आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका अकोमोडेशन अंदर लें या बाहर लें, लिविंग एक्सपेंसेस आपके मंथली कितने आ जाते हैं, बेसिकली पार्ट टाइम वगैरह कैसा है सिटी में, कहाँ सिटी में पर्टिकुलरली, सभी चीज़ इस वीडियो में डिटेल में कवर किए जाएंगे, जिससे कि आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिल सके भाई कैसे कैसे सब चीज़ करनी है। और हम जानते हैं कि इंडिया से बैठकर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है रिसर्च करना, इसी मोटिव के साथ हमने ये सीरीज की शुरुआत की है। और हमारे भाई आज जो हमारे साथ हैं ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हमारे साथ कि इनकी प्रोसेस और पूरी जर्नी कैसी रही, और आपके लिए पूरी मदद करेंगे, और लास्ट में भाई थोड़े हैक्स और टिप्स भी देंगे आपको, जिससे कि आपके एडमिशन के एक्सेप्टेंस चांसेस बढ़ सके। तो वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें, और चलिए बात करते हैं भाई के इंट्रोडक्शन के साथ। तो बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हूँ, तो सबसे पहले मैंने बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स की इंडिया से फ्रांस आया। फ्रांस में UBFC से मैंने BDEM कोर्स करा, बिहेवियरल एंड डिजिटल इकोनॉमिक्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का एक कोर्स है। अब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ को में हूँ, यहाँ पे मेरा कोर्स है एडवांस अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत की जर्नी की बात करें दोस्तों आपके लिए, तो आपकी जर्नी ये शुरुआत कैसे हुई और आपने कैसे कैसे कोर्स सर्च किया, क्या आप ये हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इंसाइट दें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो शुरुआत में देखा जाए तो मैंने सोचा था फ्रांस या इटली में मेरे पास चॉइस थी, तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी थी दोनों में, बट वीज़ा प्रोसेस देखा जाए या इमिग्रेशन चांसेस जो भी हैं वो इटली में थोड़ा मुश्किल है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रांस का बहुत सिंपल है। अच्छा, तो और वैसे भी जो कोर्स मैंने देखा था वो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था फ्रांस वाले में ही, तो जब मैंने फ्रांस सेलेक्ट ही कर लिया था तो मैंने फिर यूनिवर्सिटीज़ देखी। दो यूनिवर्सिटीज़ थी जिनमें कोर्स मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आए, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम और एक यूनिवर्सिटी ऑफ ओलियो। यूनिवर्सिटी ऑफ ओलियो में कोर्स था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, और यहाँ पर ऑप्शन था एडवांस अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। तो जब मैं इनको फिर और डीप रिसर्च की कि कौन सा फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा, तो ये जो अभी मैं करंट कोर्स कर रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अप्लाई मैंने दोनों के लिए किया था,
लकीली दोनों में एडमिशन हो गया। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोंक फाइनल किया, क्योंकि इसमें जो कोर्स है वो ज़्यादा टेक्निकल है, मोर रिसर्च ओरिएंटेड है। इकोनॉमिक मॉडलिंग मेरे को काफ़ी पसंद आई, तो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोंक को सेलेक्ट किया। तो आपकी प्रोसेस कैसे रही, आपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कैसे फ़िल्टर आउट करी, आप थोड़ा उसको बताएं। बेसिकली फ्रांस में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला, अगर आप फ्रेशर हैं, न्यू, आपने कभी फ्रांस में पढ़ाई नहीं की है, तो फिर आप कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पर जाके कोर्स देख सकते हैं, लिस्ट रहती है। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि भाई कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे कैसे कोर्स फिल्टर आउट करते हैं, आप सभी लोगों के लिए हमने ये चीज़ कवर की है। आप जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि भाई कैंपस फ्रांस की एक वेबसाइट खुलकर आई है, जिस पे कि फ्रांस की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के सारे कोर्स मेंशन है, और यही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करा हुआ है, जिससे कि आप लोगों को आसानी पड़ जाए कि भाई आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे फ़िल्टर आउट कर सकें। तो आप जैसे कि साइड में देख सकते होंगे कि अब यहाँ पे इंग्लिश का एक फ़िल्टर लगा सकते हैं आप, 100% टॉट इन इंग्लिश, उस पर येस और नो पे आप येस क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद आप देख सकते होंगे कि पेज रीलोड हो गया है और सारे इंग्लिश टॉट कोर्सेज 100% आपके सामने मौजूद हैं। इसमें हम थोड़ा सा और अंदर डीपली जाएं अगर तो हम डाल देते हैं सर्च बॉक्स में कहाँ, और आप देख सकते हैं कि चार कोर्स निकल के आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ के। आप जैसे देख सकते होंगे अभी रैस्मस मिंडस मास्टर डिग्री इन न्यूक्लियर फिजिक्स, और आपकी रैस्मस मिंडस ऑन कोस्टल एंड हार्बर इंजीनियरिंग, जो भाई कर रहे हैं मास्टर्स इन एडवांस अप्लाइड इकोनॉमिक्स, आपका मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट। तो आप इसमें से किसी में भी अंदर जाएं और आप देख सकते होंगे कि आपको पूरी एक फुल फ्लैश्ड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, जिससे कि आपको पूरी एक नॉलेज मिल सके कि भाई कोर्स क्या है और कोर्स में क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाएंगी आपको। इसमें आपका प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन है, आपके एडमिशन डिटेल्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, आपके ऑब्जेक्टिव्स, और आपकी ट्यूशन फीस कितनी रहेगी, वो इस पे सब मेंशनड है। और जिस भी भाई बंदों को आगे फाइनल डिसीजन लेने के बाद इसमें अप्लाई करना है, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, जो कि हमें अपने भाई बताने वाले हैं। तो दूसरा केस ये रहेगा कि अगर आपने फ्रांस में पहले 1 या 2 साल पढ़ाई कर रखी है तो कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है मो मास्टर करके, तो आप मो मास्टर से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से आपको जिस फील्ड में मास्टर्स देखनी है, रीजन, सिटी, आप ये फिल्टर आउट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो दोस्तों, अब आपको मो मास्टर के बारे में बता दें, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, आप जाइए वहाँ पर। बस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये लिंक पर अप्लाई करने के लिए खाली वो ही बंदे जाएं जिन्होंने पहले मास्टर्स फ्रांस में करी हुई है, 1 साल से ऊपर की कोई भी कोर्स पढ़ा हुआ है, तो ही आप इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें, नहीं तो आपका सीधा सीधा रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, और बताते हैं आपको कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है थोड़ा। तो जैसे ही आपका ये मो मास्टर्स का पेज खुल के आया, तो आप फिल्टर में जाके आप देख सकते हैं कि कोई भी मैनेजमेंट का नाम डाल दीजिए, मैनेजमेंट डालते हैं, तो नीचे आ गया जैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसमें हम जाते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जितने भी कोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ हैं, वो आपके खुल के आ गए हैं। और जैसे ही आप उसमें जाएंगे किसी भी कोर्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, और जब आपको अप्लाई करना हो तो बस ये जो साइड में आपको बटन दिख रहा है आई एम अ कैंडिडेट पर क्लिक करें, और अपने क्रेडेंशियल्स बना के आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले मास्टर्स या कोई भी बैचलर्स फ्रांस में करी हुई है, नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन प्रेफर करिए कैंपस फ्रांस के थ्रू डायरेक्ट यूनी वेबसाइट पर जाकर। आगे बात करते हैं भाई के बारे में कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है क्या जो भाई पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये एक प्योर इकोनॉमिक्स का कोर्स है, तो इसमें आप ये प्रेफर करें कि आपकी बैचलर्स या आपने कोई मास्टर्स भी की है तो वो इकोनॉमिक्स से ही हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो वो चल जाएगा, बट मैनेजमेंट या फिर नॉन इकोनॉमिक्स और नॉन टेक्निकल मैथमेटिकल कोर्सेस अगर आप हैं तो मुश्किल बात बन जाती है, क्योंकि वो आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग से भी हैं तो अगर आपने कोई इकोनॉमिक्स के कोर्स लिए हैं एडिशनल्स तो वो भी चल जाएगा। अगर नहीं लिया है जैसे कोई नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, अगर इसको अप्लाई करता है, तो क्या उसके लिए मुश्किल रहेगी, एक्सेप्टेंस रेट कैसा रहेगा? आप जैसे आप पढ़ते हैं, कोई भाई आपके साथ नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आया हुआ है। एक्चुअली दो हैं, एक लड़का एक लड़की है, वो मैथ्स से हैं तो उनको ज़्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं, क्योंकि मोस्टली हम मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं मेरे को लगता है इस कोर्स में। बट अगर आपका मैथ का बेस नहीं है और आपने इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ रखी तो मुश्किल हो जाएगा, आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो
तो बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है कि भाई जब बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए एक मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स देखा जाए तो सारे डॉक्यूमेंट्स मोस्टली साइट में मेंशन रहते हैं। अब जो हमें तैयार करने होते हैं वो तो जैसे हो गया सीवी। सीवी मेरा 2 पेज का सीवी गया था। फ्रांस में जॉब्स के लिए कहते हैं 1 पेज रखना चाहिए, पर 2 से ज़्यादा ना ही हो तो बढ़िया है। कॉलेजेस के लिए हाँ, कॉलेजेस के लिए। अब सीवी में अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कोई आपका एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, या आपने कहीं काम किया है, वो आपकी स्किल्स, आपने कौन कौन सी डेवलप की हैं, आप मेंशन कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे मेरा स्पोर्ट्स का था, यूनिवर्सिटी में मैंने इकोनॉमिक सोसाइटी से भी लिंक था, मैं डिबेट क्लब में भी जाता था, मैंने वो भी मेंशन किया। ये इसका कोई नेगेटिव पॉइंट तो मुझे लगता नहीं है, बट ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल किसी के अगेंस्ट इक्वली है सेलेक्शन कमेटी के सामने, तो शायद वो ओवरऑल प्रेफर करें कि ये कैसा अडेप्ट कर पाएगा या नहीं, जो भी सारी बातें हैं। और इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी थी आपको? एक रहता है इंग्लिश रिक्वायरमेंट का। अब इंग्लिश के लिए लोग आइल्स टोफल देते हैं, पर इंडियंस का देखा जाए तो काफ़ी जगह चल जाता है कि अगर आपने इंडिया में पढ़ाई की है, जो यूनिवर्सिटीज़ का कोर्स इंग्लिश में था बैचलर्स का, या आपका प्रीवियस मास्टर्स इंग्लिश में था, तो आप एक डॉक्यूमेंट उनसे ले सकते हैं यूनिवर्सिटी के स्टैम्प पे कि कोर्सेज इंग्लिश में था, वो चल जाता है इंडिया के लिए। कुछ मेरे पाकिस्तान के दोस्त थे, मैंने उनके से बात की कि इंग्लिश के बारे में, तो बोले कि उन्होंने तो आइल्स से टोफल दिया है। तो मैं काफ़ी हैरान था कि भाई ये अच्छा है, हमारे लिए ये बेनिफिट है। तो मेरे को जो पता लगा उससे यही है कि पाकिस्तानी जो भाई हो उनको अपना टोफल देना पड़ता है, इंडियंस का आइल्स ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लेटर से काम चल जाता है। तो बेसिकली दोस्तों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स की है। यूनिवर्सिटी से ले लीजिए, आइल्स और टोफिल पे 14-15 हज़ार रुपये मत खर्च कीजिए, पर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनको तो देना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक बारी क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं SOP के बारे में, आप थोड़ा बताएं कि भाई SOP बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल डॉक्यूमेंट है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मैंने भी जितने बंदों से यहाँ पे बात करी है कि भाई SOP आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं भाई बंदों को कि भाई कैसे आप अपने SOP में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाए। तो SOP का बात ये होती है कि CV तो आपके एक लाइंस लिखी हुई हैं बस, बट SOP ये कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं इंटरव्यू से पहले। तो उसमें आपको मेंशन करना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, ये कोर्स कैसे लिंक करता है आपके फ्यूचर के साथ, ये कोर्स आपने क्यों सेलेक्ट किया है, और ये कोर्स करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं आगे। तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि मुझे इंडिया जाना है वापस, और वीज़ा के लिए भी यही कहा जाता है, तो फिर एक सिंक रहे कि आपने यहाँ पे जो लिखा है वहाँ पे वो हो। तो कहीं से भी अगर अगर कहीं से पकड़े जाओ या फिर कुछ भी हो ऐसा, तो उससे बेटर सेफ देन सॉरी। तो अगला डॉक्यूमेंट होगा लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। आप अपने प्रोफेसर या प्रीवियस एम्प्लॉयर से कोशिश करिए 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करवा सकें अपने कोर्स के लिए। इसमें वही आप वो प्रोफेसर्स को पता रहता है उन्हें कैसे क्या लिखना है। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये भी ध्यान रखिए कि आपके प्रोफेसर की ईमेल आईडी भी मेंशन हो, यूनिवर्सिटी स्टैम्प हो, ताकि अगर वो प्रोफेसर क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उनको ईमेल करते हैं, तो अच्छे से फैसिलिटेट हो सके। तो अब बात करते हैं दोस्तों इंटरव्यू प्रोसेस कैसी रहती है जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है CV और आपकी एक प्रोफाइल वहाँ पे सेलेक्ट हो गई है सिलेक्शन कमिटी के द्वारा। तो इंटरव्यू कैसे रहता है और क्या क्या तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें आंसर्स का क्या क्या ध्यान रखा जाए, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई है तो अब आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। इंटरव्यू में सबसे पहले आपका बैकग्राउंड, आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, जो जो सेम आपने मोटिवेशन लेटर में लिखा था। उसके बाद आपकी जो स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। जैसे मेरे से काफ़ी टेक्निकल इंटरव्यू चला था, इकोनॉमेटिक्स मैथमेटिक्स का काफ़ी देर तक बातें हुई थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अब ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपने फ्रांस ही क्यों सेलेक्ट किया, अब तो और फिर ये पूछा कि यही सिटी क्यों, और फिर इसमें भी इम्प्रोवाइज हो जाता है कि मुझे ये पसंद है वगैरह वगैरह। बट फिर क्वेश्चन पूछा आपको फ्रेंच आती है, नहीं तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे सिटी में, कोर्स तो इंग्लिश में है।
सिडनी में कैसे सरवाइव करोगे? तो फिर उस पर एक ऑन द स्पॉट मैंने बोला कि मैं ड्यूलिंगो से कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ एडिशनल कोर्सेज अगर आपकी तरफ से प्रोवाइड होंगे वो हेल्प मिलेगी, नहीं तो मैं इवनिंग कोर्सेज भी ले लूँगा या वीकेंड पे मिलते होंगे। तो बेसिकली यही इंटरव्यू का प्रोसेस रहा था मेरा। और आखिरी में आपके फाइनेंसेस कैसे आप डील करेंगे उनके साथ? क्या आपके पास इतने पैसे हैं? आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करेंगे? आपने लोन लिया है? वो सभी चीज़ें थोड़ा बहुत बता सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आपने अभी बताया कि भाई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो ये हमने बहुत सारी क्वेरीज में भी देखा है कि वीज़ा में भी लोगों के काफ़ी रिजेक्शंस आ रहे हैं क्योंकि वो इंडिया वापस आने का नहीं बताते हैं। तो आपके हिसाब से इसका एक बढ़िया आंसर क्या फ्रेम हो सकता है कि भाई आपने भी देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में, हमने भी जब अपने टाइम पर प्रिपेयर करा था क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए ये वाला, तो उसमें हमने इंडिया का वापस आने का दिखाया था, तो क्या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, बात ये है कि आप जो वीज़ा में आंसर दोगे वो लिंक होना चाहिए आपके मोटिवेशन लेटर से भी। तो फिर ये मस्ट है कि आप ये बोले कि मुझे इंडिया वापस जाना है। आप ये कह सकते हैं कि मेरी सारी फैमिली वहाँ पे है, मेरा फैमिली बिजनेस है, या मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए हूँ। इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपका बैकग्राउंड है, जैसे आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो इंटरव्यू होने के बाद कितने दिन में बेसिकली जवाब आ जाता है और क्या-क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इतने दिनों में हमें जवाब मिल जाएगा, और उसके बाद की प्रोसेस क्या-क्या रहती है? तो अब आपके इंटरव्यू हो गया तो 15-20 दिन लग जाएंगे आपका रिजल्ट आने में। उसके बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर आपको बताना है कि आप कोर्स में एडमिशन चाहते हैं या नहीं। अगर आप यस करते हैं तो आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर देंगे वो। अब एडमिशन लेटर आ गया तो आप बेझिझक अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू करें। पर इसमें मैं बोलूँगा कि मेरा केस ये है कि मेरा सेकेंड मास्टर्स है, तो मुझे सिर्फ वीज़ा रिन्यू करना था, ना VFS जाना, ना कैंपस फ्रांस दोबारा, कोई चक्कर नहीं। आपका पहली बार है तो आप भाई का चैनल है देसी इन फ्रांस, उस पर आप वीडियोस देख लीजिए। तो बेसिकली दोस्तों भाई तो यहाँ पर उस टाइम मास्टर्स पढ़ रहे थे फ्रांस में, तो इसलिए इन्होंने अपना वीज़ा रिन्यू करा, इनको VFS वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम फ्रांस में ही थे ये। पर आप सभी भाई बंधु जो इंडिया से पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए मैं अब बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन और क्वेरीज आते हैं कि आपको स्टेप कैसे कैसे लेने हैं, और अगर आप कोई भी स्टेप स्किप करते हैं तो आपका रिजेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बल्कि आते ही हैं, हमने बहुत सारे लोगों को समझाया भी है मेल में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले जैसे ही आपके पास यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर आ गया कि भाई अब ये बंदा इस यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर आते ही आपको कैंपस फ्रांस एप्लीकेशन अपनी करनी है। पूरी डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाकर वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको कैंपस फ्रांस इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आएगा, आपको अपना कैंपस फ्रांस इंटरव्यू अच्छे से तैयार करना है, वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाकर देखिए, सारे क्वेश्चंस उसी में हैं, उससे बाहर ज़्यादातर नहीं आता है। काफ़ी लोगों के मेल और इंस्टाग्राम पर क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमारे ये दिक्कत हो रही है, कुछ अलग हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा, सब क्वेश्चंस वही हैं। इंटरव्यू देने के बाद 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगता है, अगर 1 महीने बाद आपका नहीं आ रहा है NOC तो आप अपने कैंपस फ्रांस मैनेजर को मेल डाल सकते हैं। जैसे ही आपके पास दोस्तों ईमेल में NOC आ जाए, आप अपना VFS का एप्लीकेशन फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। डॉक्यूमेंट्स तैयार की हमने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, SOP पे थोड़ा ध्यान दें, इंडिया वापस आने पर थोड़ा ज़्यादा दबाव बनाएं कि भाई हमें इंडिया वापस आना है, जैसे कि अभी भाई ने भी बताया, उस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करके चलें, और पूरा फॉर्मेट हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं वीज़ा डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो को। VFS में आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, और इसके बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं, और यही मेन प्रोसेस होती है। जिन भी भाई बंधुओं को दिक्कत थी तो उसके लिए हमने इस वीडियो में ये कवर कर दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भाई से कि कितना टाइम लग जाता है सारी प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस, और आदमी को कितने टाइम पहले से लग जाना चाहिए इन सारी प्रोसेस के लिए। देखो भाई, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है मार्च में, मार्च के आसपास ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। तो अपना जनवरी से भाई अपना CV बनाना शुरू कर दो, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी शुरू कर दो पहले से ही, जितना जल्दी हो सके। ये जनवरी से लेट मत करना, CV SOP बनाना कोर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको एक दो महीना लग जाएगा शॉर्टलिस्ट होने में, 15-20 दिन इंटरव्यू का रिजल्ट आने में, फिर बाकी 2-3 महीने जो लग जाते हैं वीज़ा के रिगार्डिंग। तो ये बिग चंक्स ऑफ टाइम में अगर डिवाइड करें तो
एप्लीकेशन प्रोसेस का इतना ही टाइम आपका वीज़ा का लग जाता है। तो जैसे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ काम में पढ़ रहे हैं, तो भाई फेमस कोर्स कौन सा है आपकी यूनिवर्सिटी का, कि भाई जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि भाई वो इस कोर्स में जाने चाहिए और आपके हिसाब से वो प्रेफरेबल रहना चाहिए, लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ के लिए? पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि मोस्ट ऑफ द कोर्स फ्रेंच में होते हैं और काफ़ी लिमिटेड कोर्स मिलेंगे आपको इंग्लिश में। और जैसे इकोनॉमिक्स में तो सिर्फ मेरा एक कोर्स है, और मैनेजमेंट के कोर्स होंगे जैसे IAE करके बिजनेस कोर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पे आप मैनेजमेंट के कोर्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्राउड ऐसा कि जो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला है वहाँ पे दिख जाएगा। और PhDs के ऑप्शन होते हैं और टेक्निकल डिग्री जैसे प्योर साइंसेज में वहाँ पे बच्चे मिलते हैं, बाकी हिस्ट्री वगैरह इन चीज़ों में यहाँ पे तो मुश्किल ही है। और अगर हम बात करें आपके कोर्स की, तो वो एक इंग्लिश कोर्स है, और क्या फ्रेंच भी साथ में चलती है थोड़ी बहुत? कि भाई बोलते तो हैं कि भाई इंग्लिश चलती है, पर प्रोफेसर्स क्या फ्रेंच में भी बात करते हैं बीच बीच में, कि भाई बच्चों को समझाने के लिए फ्रेंच में बात कर लिए और भाई थोड़ा सा अलग लगे तुमको, तो क्या रहता है तुम्हारे कोर्स के बीच में? देखो उस बारे में ये बोलूँगा कि इंग्लिश कोर्स है तो फ्रेंच स्टूडेंट्स भी हैं साथ में, मेरे क्लासमेट्स हैं, तो कई बार वो फ्रेम नहीं कर पाते तो फ्रेंच में क्वेश्चन पूछते, पर प्रोफेसर हमेशा इंग्लिश में ही आंसर देते हैं, और अगर उन्होंने उनको कुछ फ्रेंच में समझाया तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ में होगा ही होगा, क्योंकि अगर बोल दिया 100% इंग्लिश कोर्स है तो इंग्लिश कोर्स है। चलो फिर तो ये बात तो दोस्तों बढ़िया है आप सभी लोगों के लिए, कि भाई इस चीज़ को तो थोड़ा ये लोग ध्यान रख रहे हैं। और आपकी फ़ीस कितनी है इस कोर्स की? भाई पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लोगों के मन में रहता है फ्री है पूरा या फिर कुछ फ़ीस लगती है थोड़ी बहुत एडिशनली, तो कितनी फ़ीस है और कैसे कैसे जाती है वो? तो फीस बेसिकली दो पार्ट्स में होती है, एक मेन रजिस्ट्रेशन फीस होती है 243 यूरोस, और एक 100 यूरोस जो आपका सीवेक बोलते हैं वो एडिशनल फीस होती है। और एक्स्ट्रा में एक फीस ये होती है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको 30 यूरो जैसे देने पड़ते हैं साल के स्पोर्ट्स के लिए, तो फिर आप कोई से भी स्पोर्ट्स में जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं, वो सबकी एक ही फीस देनी है। तो दोस्तों देखा जैसे कि आपने कि भाई 243 प्लस 100 यूरोज ही आपको देने हैं, तो बहुत ही सिंपल चार्जेस हैं, आप दे सकते हैं आराम से। और एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ की 30 हज़ार 40 हज़ार यूरोज़ फ़ीस देनी है, उससे बढ़िया ये ऑप्शन है और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो यहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क वगैरह कैसे काम करता है, कि भाई आप रीच आउट कर सकते हैं या फिर एल्यूमिनाई नेटवर्क के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एज़ कम्पेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बताते हैं और हमने खुद ने फील किया है कि एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहता है। क्या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी यही केस सेम रहता है? तो मैं ये बोलूँगा एलुमनाई नेटवर्क के रिगार्डिंग कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट ना हो, बाकी यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जैसे इंडिया बोलते हैं सरकारी, वो सरकारी चीज़ है, आपको खुद नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, अपने प्रोफेसर से अच्छे से कनेक्टेड रहें, जो डिपार्टमेंट में और प्रोफेसर्स हैं अपने एलुमनाइज के बारे में पूछें, या आपको कोई इवेंट हो रहा हो वहाँ पर वो आ रहे हों तो उनसे मिले, लिंक्डइन पर ढूंढें, ऐसे आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी अपने उसमें। यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा तो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो चलो दोस्तों इस बात से आप डिसअपॉइंट ना हुए, बाकी आप अप्रोच कर सकते हैं लोगों को लिंक्डइन पर, और यूनिवर्सिटीज़ के एल्यूमिनाइज काफ़ी लिंक्डइन पर आपको मिल जाएंगे और वो सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी सपोर्टिव लोग होते हैं वो। आगे चलते हैं दोस्तों, प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, कि भाई यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद क्या फ्यूचर रहेगा हमारा, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? भाई अपने पास आउट बैचेस के बच्चे भी देखते होंगे आप, और कहाँ कहाँ प्लेस हुए हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में बताना इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन रहता है बच्चों का। हर किसी का, इंडिया से आने वाले बच्चे का एक अपना पर्सपेक्टिव रहता है कि भाई इंडिया से आ रहे हैं, कोर्स भी पढ़ लिया, क्या हमारा एक फ्यूचर सिक्योर है? तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा आप गाइडेंस दें। तो देखिए प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आप डिसअपॉइंट ना हो, जैसे सरकारी होता है इंडिया में बोलते हैं, वैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे कोई ऐसा प्लेसमेंट सेल नहीं होता कि आपको कंपनीज आएंगे आपको लेके जाएंगी, बाकी आपको नेटवर्किंग खुद से करनी है, प्रोफेसर से कांटेक्ट अच्छे बना के रखे पूरे डिपार्टमेंट में जितना हो सके, अपने एलुमनाइज के बारे में पूछे, कोई इवेंट में वो आ रहे हैं तो वहाँ जाए, बाकी एक करियर सेंटर करके वेबसाइट होती है वहाँ पे जो लिस्टेड होती हैं वो थोड़ा आपको हेल्प करती हैं, वो काफ़ी वर्कशॉप भी कराते हैं CVs कवर लेटर के रिगार्डिंग, बट वो फ्रेंच में होते हैं तो आपको फ्रेंच नहीं आती या बेसिक आप थोड़ी बहुत मैनेज कर ले तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा।
तो बेसिकली दोस्तों, जैसे अभी भाई ने बताया कि खुद ही अप्रोचेस करने पड़ते हैं, खुद ही लिंक्डइन पर हम लोगों को बातचीत करनी पड़ती है एल्यूमिनाइज से, ये बिल्कुल सच है। और आप जब भी इंडिया में जैसे देखते होंगे कि भाई यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट कंपनीज आ रही हैं, ऑन बोर्ड करके 100-100 बंदों को ले जा रही हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुद ही जॉब पोर्टल पे कंपनी पे जाकर खुद ही जॉब अप्लाईज करनी पड़ती हैं, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज़ को दिमाग में जरूर लेकर आए। तो अब हम बात करेंगे भाई से कि यहाँ पे सक्सेस रेट क्या है एडमिशन के लिए। जैसे आपने भी अप्लाई करा, कितने बंदों ने अप्लाई करा और कितने बंदों का एक्सेप्टेंस आया, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि भाई इतना सक्सेस रेट इस हिसाब से हो सकता है। तो देखिए, कॉलेज में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको मोस्टली फ्रेंच में कोर्सेज हैं, तो इंग्लिश कोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है, तो इतना मैथ्स तो आप सभी जानते हैं कि ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज सस्ती भी हैं, तो इससे भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो अपना अच्छे से तैयारी करें। चांसेस कम है, पर ये नहीं है कि नहीं है। तो महीने का खर्चा कितना आ जाता है? जैसे आप कहाँ सिटी में रह रहे हैं और बड़ी प्यारी सुंदर सिटी है ये, तो महीने का खर्चा कितना कितना आ जाता है आपका? खाने में कितना आ जाता है? अकोमोडेशन में कितना आ जाता है? तो देखिए, ये काफ़ी एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये मैं सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, सिर्फ अपना बता रहा हूँ। जैसे हॉस्टल में आप रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में तो आपको 270 यूरोस तक का बेसिक जो कंफर्ट रूम होता है उसका आपका रेंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर हीटिंग सब कुछ इंक्लूडेड होता है। उसके बाद अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको मिनिमम 350 यूरो से स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और गैस का अलग से देना पड़ सकता है। उसके बाद आपका खाने का खर्चा, खाने का देखो, बाहर स्ट्रीट फूड या फिर रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, तो अपना मैं खुद ही अपना खाना बनाता हूँ, जो मेरा 250 यूरोस तक का चल जाता है, जिसमें एक तो बार ओकेशनली बाहर खाना भी हो जाता है थोड़ा वो। और ट्रांसपोर्ट वगैरह का? हाँ, ट्रांसपोर्ट आपका एक ट्विस्टो करके है पूरी सिटी में और आउटर रीजन की सिटीज़ में, जो आपको ट्रेवल कर सकते हैं, उसका एक पास बनता है अप टू 25 एज, 26 एज तक होता है वो, 30 यूरोस का, 27, 30 यूरोस का बन जाता है आपका पास। तो कुल मिला के अगर आपका देखा जाए तो 550-600 तक आपका पूरा महीना निकल जाता है, जो कि आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं तो इतना जा रहा है। अगर कोई बाहर रहने लगे, तो बाहर रहने लगे तो बिल्स अलग से देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, गैस के, रेंट भी ज़्यादा होगा, और हो सकता है आप शेयर करना पड़े, तो उसमें भी वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है और आपके रूममेट्स कैसे होंगे, फ्लैटमेट्स कैसे होंगे, तो काफ़ी सेलेक्टिव चला जाता है। तो बेसिकली आप क्या प्रेफर करेंगे कि भाई अकोमोडेशन अंदर लेना चाहिए या बाहर लेना चाहिए जो आने वाले बच्चे हैं, और कैसे लेना चाहिए? अगर अंदर भी लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए? तो मेरी प्रेफरेंस होगी तो मैं यूनिवर्सिटी में ही रहना चाहूँगा, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ना हीटिंग का, और यूनिवर्सिटी है तो फिर काफ़ी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट रहता है, जो आपके रूममेट्स भी होंगे, तो अगर होंगे, आप अलग एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी आपके इंटरनेशनल हो सकते हैं, फ्रेंड्स से आपको ज़्यादा डील नहीं करना पड़ेगा, और काफ़ी आसान प्रोसेस हो जाता है। फिर उसमें बाहर रहना, तो फिर वो एक लैंडलॉर्ड जो उसकी मर्ज़ी होगी, तो आपको वैसे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में सबके लिए सेम होता है, तो मेरा ये है कि यूनिवर्सिटी, और पहली बार आ रहे हैं तो पक्का यूनिवर्सिटी में कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी में ही रहें। और यूनिवर्सिटी में आज जैसे आप बार बार प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में ही रहें, तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहता है? यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल एक गवर्निंग जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं क्रूस, CROUS, तो उनकी वेबसाइट पे मई के स्टार्टिंग में या सेकंड वीक में वो लिस्ट डालते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि आप वो अपना आप बुक कर सकते हैं। बाकी जैसे मेरा पिछला मास्टर्स था, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की पार्टनरशिप थी, तो उन्होंने एडमिशन लेटर मिला था, उसके बाद ही उन्होंने एक रूम बुक कर दिया था मेरे लिए, तो आना काफ़ी सिंपल हो गया था बहुत ज़्यादा, तो वो भी ऑप्शन हो सकता है। आप ज़रूर आप पूछें, वो अगर आप नहीं पूछेंगे तो कुछ भी पता ही नहीं लगेगा, अपना वेबसाइट खोले, कोई भी गूगल ट्रांसलेट लगाएं, सर्च करें। तो बेसिकली कैफ भी मिलता है आपको जैसे आप रह रहे हैं और जो भी आप पे कर रहे हैं? कैफ बेसिकली दोस्तों फैमिली अलाउंस देती है फ्रेंच गवर्नमेंट। वीडियो भी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। जब भी आप फ्रांस में आए तो आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कितना कैफ मिलता है? कैफ आपको 50 to 100 यूरोस
तक मिल जाता है अगर आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं। 270 आप रेंट पे कर रहे हैं, आप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी हो सकता है, बट कैफ की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो डिटेल में ना जाऊँगा मैं और ये बोलूँगा 50 to 100 यूरोज मिनिमम मिल जाता है। तो यूनिवर्सिटी के क्या फ़ायदे हैं? कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं, या फिर भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे हैं, अलाउंस वगैरह कोई भी अलग तरीके से, कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कि भाई आने वाले बच्चों को थोड़ी मदद हो सके? वो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स जो है वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं। आपको स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं, मंथली 10 मंथ तक की स्कॉलरशिप कुछ लोगों को मिलती है, कुछ आपको मोबिलिटी के लिए मिल सकते हैं 500 to 1000 यूरोस आने से पहले कि या फिर वो आने के बाद। उसके अलावा आप जैसे अगर आप इंटर्नशिप करने चाहते हैं, फ्रांस में आप इंटर्नशिप करते हैं एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा, तो आपको पे करना ज़रूरी होता है एम्प्लॉयर को। बाकी अगर आप फ्रांस से बाहर जाते हैं तो आपको इरास्मस स्कॉलरशिप मिलती है और एक रीजनल स्कॉलरशिप भी होती है। वो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि फिर सरकारी चीज़ है, बट मिल जाती है शुरू में या बाद में मिल ही जाएगी वो भी। तो इन स्कॉलरशिप के लिए बेसिकली हमें कॉलेज से अप्रोच करना चाहिए, और अगर हम कॉलेज को अप्रोच करें तो कैसे करें? बात ये बोलूँगा अप्रोच करने के लिए एक अच्छे से आप डिसेंट ईमेल लिखें और पूछें कि पूछने में कोई बुराई नहीं होती कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और पूछोगे नहीं तो पता लगेगा नहीं। चलो दोस्तों, तो आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, और जरूर आप एक बारी मेल डालकर देखिए, क्या पता आपकी कोई स्कॉलरशिप लग जाए, बहुत ही ज्यादा मदद रहेगी आप लोगों की उसके लिए। बाकी अब हम बात करेंगे कि फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच कितनी जरूरी है तुम्हारे उसके लिए। मैं बार बार घूम के इसलिए आ रहा हूँ, पार्ट टाइम से भी एसोसिएटेड रहती है फ्रेंच लैंग्वेज, और बेसिकली आपकी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत जरूरी टूल है रहने के लिए फ्रांस में। अगर आप शॉपिंग भी करने जा रहे हैं, तो मैंने तो ऐसा फील नहीं करा कि भाई लोग इंग्लिश में बात करते हुए मिले हैं मुझे। तो तुम बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्रेंच के साथ, तुम्हारे कलीग्स के साथ कैसे कैसे तुमने आज अभी तक अपनी जर्नी में एक्सप्लोर किया फ्रेंच लैंग्वेज भाई मैं ये कहूँगा फ्रांस आ रहे हो तो भाई फ्रेंच सीख लो, को? इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है इसके बाद तो बात अलग है, पर फिर भी आप फिर एक लाइफ जो स्टूडेंट वाली है वो अच्छे से नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। जैसे मैं स्पोर्ट्स खेलने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ तो सभी इंस्ट्रक्शंस फ्रेंच में होती हैं, प्रोफेसर लोग अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं तो वो एक्सप्लेन कर देते हैं, बट एक एक कनेक्शन सा नहीं बन पाता अगर आपको फ्रेंच नहीं आती। तो बेसिक मैंने फ्रेंच ऐसे ही सीखी है खेल के या फिर दोस्तों से ही ऐसी, पर फ्रेंच बहुत ज़रूरी है। आपको जॉब करनी है आगे फ्रांस में, आपको फ्रांस में एक जो डिप्रेशन टाइप हो जाता है कुछ लोगों को कि दोस्त नहीं बन पाते, वो नहीं होता, या फिर सिर्फ इंडियंस के साथ ही घूम पाते हैं, वो ये होता है कि अगर आपको फ्रेंच नहीं आती आप एफर्ट्स डालो, फ्रेंच लोग बहुत बढ़िया हैं वो ज़रूर हेल्प करेंगे, बस एफर्ट आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। और पार्ट टाइम की बात करें, अगर पार्ट टाइम के बारे में बताओ थोड़ा, कि भाई बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रहता है बंदों का कि भाई पार्ट टाइम नहीं मिली हमको, या फिर पार्ट टाइम मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा बताओ। अगेन द आंसर इज सेम, फ्रेंच। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो पार्ट टाइम के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नहीं आती तो आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको कहीं से मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आप ये सोच के चलो फ्रेंच नहीं आती तो पार्ट टाइम नहीं है। या अगर आपके कुछ साथ ही टेक्निकल स्किल्स हैं, आप कुछ फ्रीलैंसिंग करते हो वगैरह जो वो बात साइड में रखते हैं, अच्छा, बाकी नॉर्मली आप एक स्टूडेंट हो मेरी तरह, आपको अगर पार्ट टाइम में इंटरेस्टेड है तो भाई फ्रेंच सीखो, सिंपल बात, क्लियर एंड कट, फाइनल यही है। तो चलो दोस्तों, फ्रेंच सीख कर आए, एक बिगनर A1 A2 तो आप सीख कर ही आए कि आपको आसानी पड़ जाए थोड़ा। और अब बात करेंगे दोस्तों हम वीजा वगैरह का एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपने लोगों का सुना होगा थोड़ा कि भाई रिजेक्शन थोड़ा हो जाता है, या फिर यूनिवर्सिटी कैसे सपोर्ट करती है बैकग्राउंड में, अगर आपका वीजा रिजेक्शन भी लग जाता है भाई, वो और कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आप यूनिवर्सिटी को किसी भी चीज़ के लिए मेल कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स रेट कैसा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो उसमें ये मैं ये बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, एक डिसेंट सा ईमेल लिखो और उनको अपनी सिचुएशन समझाओ कि मैं सर ये बोलूँ, उनको भी पता है वो आपसे कई साल से वो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करो जितना हो सकेगा, वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे, काफ़ी अच्छे लोग हैं। एक ये होता है कि रिप्लाई के टाइमिंग जैसे कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस होता है तो ये नहीं कि आप रात में ईमेल कर दोगे तो रात को ये रिप्लाई आ जाएगा, थोड़ा वेट भी करना पड़े बट थोड़ा पेशेंस रखो। फ्रांस में आके मैंने यही सीखा है पेशेंस,
फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी, पेशेंस, इज एवरीथिंग। तो भाई इसने जैसे अभी बताया है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, ये लोग बहुत धीरे धीरे काम करते हैं दोस्तों, तो आप ये मत सोचिएगा कि आज मेल करा तो कल को आपको रिप्लाई आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है और अपने उस टाइम फ्रेम को थोड़ा लेके चलिए अपना टाइम पीरियड को, और उसके हिसाब से आप अपना मेल कर सकते हैं इनको। अब बात करेंगे दोस्तों, पूरी वीडियो ख़त्म होने को आई है, तो भाई का जैसे पर्टिकुलर कोर्स है, तो आपकी इंटर्नशिप वगैरह आप किस फील्ड में कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कोर्स में, और इंटर्नशिप्स के लिए क्या क्या थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स, और यहाँ पे जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लगते हैं आप सब दे दीजिए। अब ये आखिरी होने वाली है वीडियो की, तो आप बता सकते हैं। तो जैसे मेरा कोर्स है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, तो मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी रिसर्च एनवायरनमेंट में, एक कंपनी हो या कोई रिसर्च फैसिलिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, तो मेन ज़्यादा कि कॉरपोरेट का नहीं बट रिसर्च ओरिएंटेड हो, तो मुझे उसमें देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी हेल्प करती है आपको कि आप कैसे आप इंटर्नशिप ढूंढ पाए, कोई इंटर्नशिप आपको देता नहीं है, सिंपल सी बात ये है। तो उसमें आपको सीवी के लिए आप अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, कवर लेटर हो तो वो आपसे ज़रूर हेल्प करेंगे। पिछले कोर्स में था तो इंटर्नशिप के लिए उन्होंने अलग से कोर्सेज लगाए थे, 7-8 घंटे के कोर्स थे, उसमें सीवी और कवर लेटर अच्छे से डिस्कस किया था, तो उसमें आपको हेल्प करते हैं कि आप काबिल बन सकें, कि आप एक इंटर्नशिप खुद से ढूंढ सकें। और अगर आप कोई इंश्योरेंस वगैरह के बारे में टिप देना चाहते हो, या फिर कोई भी अपने अलग तरीके से टिप हो आपके पास। तो यहाँ पे जैसे इंडिया में हम नेगलेक्ट करते हैं इंश्योरेंस, यहाँ पे कंपलसरी चीज़ होती है। लकीली फ्रेंच गवर्नमेंट आपका 70% तक खर्चा उठाती है, बच गया 30%, जो वो भी काफ़ी काफ़ी केसेस में ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए आप म्यूचुअल या एडिशनल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। काफ़ी प्राइवेट भी होते हैं जो 8 से 10 यूरो में आप स्टूडेंट हो तो चल जाता है, बाकी फ्री वाला भी होता है। उसमें उसमें कंडीशंस होती हैं कि आपकी एज कितनी है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं। मेरा पीछे चल गया था, मेरा 100% फ्री था, कुछ लोग मैंने देखे थे वो कुछ भी बीमारी हुई सीधे इमरजेंसी में चले जाते थे, कोई पैसा देना नहीं अलग से, 100% पूरा गवर्नमेंट कवर कर रही है, तो आप उसको भी ऑप्शन देख सकते हैं। पर इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी वेबसाइट है गूगल ट्रांसलेट लगाओ ना सब। तो दोस्तों जैसे अभी भाई ने बताया आपको इंश्योरेंस के बारे में, उसी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी अटैच किया हुआ है, तो आप वहां पर जाएं और अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, जिससे कि आपको वो 30% भी कवर हो जाए सोशल सिक्योरिटी के साथ, और आप अपना यहाँ पे पूरे एश्योर्ड हो जाए अपने इंश्योरेंस को लेकर। उसके बाद आप एक ऑप्शन होता है AFEV करके, सोलिडेरिटी ग्रोसरी, उसमें आपको क्रूस एजेंट के साथ एक मीटिंग होगी, फिर वो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज चेक करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, उसमें आप चीप रेट पे ग्रोसरी आप ले सकते हैं। उसमें लिमिट होती है कि आप कितना ले सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि अगर मौका मिलता है थोड़ा भी सही अच्छा रहेगा। और एक होता है कि आप 1 यूरो मील स्कीम के बारे में, नॉर्मली यूनिवर्सिटी में आप अगर कैंटीन में खाना खाते हैं तो आपको 3.3 यूरो देने पड़ते हैं, पर अगर आप 1 यूरो मील स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक दिन में 2 बार ले सकते हैं 1-1 यूरो के, जो भी एक आपके बजट के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये मील दोस्तों आपका क्रूज की वेबसाइट पे होती है, तो क्रूज से आप जाके देख सकते हैं, और भाई बताएंगे थोड़ा एक्सपीरियंस की भी कैसे कैसे इसको ले सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, अपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपना भी बताना पड़ता है कि मंथली आपका खर्चा कितना होता है, अपने ऑब्वियसली अपने एजुकेशन डिग्री के बारे में बताएंगे। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 50-50% होता है, मिल भी जाए ना मिले, बट ट्राई करने में क्या दिक्कत है। इसके बाद मैं बोलूँगा एक चीज़ जो जिसके लिए आप थोड़ा सेफ्टी कंसर्न की बात है, फ्रॉड हो जाते हैं काफ़ी लोग, पार्ट टाइम जॉब ढूंढना चाहते हैं और वो इतनी मुश्किल होती है क्योंकि आपको अगर फ्रेंच नहीं आती तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो काफ़ी स्कीम्स ऐसे चलते हैं कि आप घर बैठे पार्ट टाइम जॉब कर लें, आपको 1000 यूरो मिल जाएंगे मंथली, उनसे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हर कोई ना कर ले। तो आप और अपने डिटेल्स जैसे सोशल सिक्योरिटी डिटेल्स, वीज़ा डिटेल्स भी किसी के साथ शेयर ना करें। तो दोस्तों जैसे भाई ने फ्रॉड के बारे में बताया, तो मैं अकोमोडेशन में भी थोड़ा सा ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप जब भी अकोमोडेशन पेरिस के लिए या फिर कहीं के लिए भी बुक करें, तो थोड़ा एक बारी अपने जो लैंडलॉर्ड है उनकी आईडी वगैरह ले लें, पूरा एक प्रीफर्ड कॉन्ट्रैक्ट लें पैसा ट्रांसफर करने से पहले, और एक पूरा अच्छे से आप चेकआउट कर लें वेबसाइट के बारे में, और उनके रिव्यूज भी पढ़ लें, क्योंकि
कि भाई वो कहीं बंदा फ्रॉड ना हो, और इंडिया से जब पैसा जाता है तो वो यूरोज में जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ जाता है। बाकी दोस्तों इसी के साथ अब हम ये वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज या फिर आपके सजेशंस हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर desiinfranceblogs@gmail पर हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और भाई ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है शायद आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा, और हम आगे भी फ्यूचर में इस सीरीज में आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।